हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कनेर यानी कि ओलियंडर के प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। और वैसे मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अभी मैं इसकी आपको ब्लूमिंग दिखाऊंगी और इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। ये देखिए, ये पॉट में लगा हुआ है, एक बकेट है पेंट की जिसमें मैंने इसे लगाया है। और ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावरिंग कर रहा है, देखिएगा, फुल ऑफ ब्लूमिंग पे है। और ये येलो कनेर है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसके फ्लावर ना रोज़ की तरह लगते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और आपके गार्डन में ये प्लांट पूरे साल बना रहता है और दो या तीन बार ये फ्लावरिंग करता है। इसकी कटिंग भी बहुत ईजी लग जाती है, आप इसकी कटिंग रेनी सीज़न में और फरवरी के टाइम पे लगा सकते हो, फरवरी के महीने पे लगा सकते हो। इसकी जो कटिंग है वो टिप लेनी होती है, जैसे ये टिप है, यहाँ से आप कट कर दीजिए और इसे आप पानी में ग्रो कर लीजिए। पानी में ये ज़्यादा ईजिली रूट निकालता है, ज़मीन पे थोड़ा टाइम लेता है ये रूट्स निकालने पे। जैसे आप पॉट में अगर लगाना चाहो तो मिट्टी में इसकी रूट्स थोड़ी लेट निकलती हैं, बट इसकी जो रूटिंग है ईजिली हो जाती है। कनेर के फ्लावर्स जो होते हैं थ्री कलर्स में होते हैं, थ्री कलर्स के होते हैं। जैसे एक येलो है, ये मेरे पास है, और एक ये पिंक है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और एक होता है वाइट कलर का, वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। और एक कनेर होता है जिसके की लीव्स होते हैं वो इनसे अलग होते हैं, ये थोड़े रफ़ होते हैं लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और शाइनिंग होते हैं उनके लीव्स। वो एक अलग कनेर होता है, उसके फ्लावर का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है इससे। और कनेर का प्लांट है जो ये रफ़ एंड टफ प्लांट है, किसी भी मिट्टी में ये ग्रो कर लेता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और समर के लिए ये बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि इसे जितनी धूप मिलती है इसके जो फ्लावर्स हैं उतने ही ज़्यादा आते हैं। और विंटर में थोड़ा ये डोरमेंसी में चला जाता है, इसके फ्लावर थोड़े कम होते आते हैं, बट ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पूरे साल आपको रुक रुक के फ्लावरिंग देता ही रहता है। और इसे आप पॉट में भी लगा सकते हो, आपने रोड साइड देखा होगा कि ये प्लांट बिना केयर के बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लूमिंग करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आप सब इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और समर में अपने गार्डन को फ्लावर से सजा सकते हो। ये प्लांट बहुत ही रफ़ एंड टफ प्लांट है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपने देखा होगा रोड साइड में उन्हें कोई पानी नहीं देता, लेकिन वो ज़मीन से वाटर को लेते हैं। और ज़्यादा इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हो तो आपको इनको थोड़ा बहुत पोषण तो देना ही पड़ेगा, तभी इसके फ्लावर अच्छे निकलेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल। और देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल निकलते हैं। अगर क्योंकि पॉट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हर किसी प्लांट को, लेकिन फिर भी इसकी केयर नाम मात्र की होती है। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दो तो ये फुल ब्लूमिंग करते हैं। देखिए मेरा प्लांट फुल ब्लूमिंग पे है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप भी अपने घर में इस प्लांट को लगाएं और अपने गार्डन को सजाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।